आइए आज एक फिर नई रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। देखिए मैं बना रही हूँ आज भालोल की सब्जी। ये भालोल की फली है और इनको मैं ऐसे टुकड़ों में टुकड़े कर लूँगी इनको इस प्रकार से। ये जो साइड में से ये निकल ऐसे वाले ये निकल जाएंगे, इनको निकाल देंगे, फिर इस प्रकार से अपन टुकड़े कर लेंगे इनके। देखिए इस प्रकार से टुकड़े कर लेंगे इनके, दोनों तरफ से निकाल देंगे इनको। ये देखिए फिर ऐसे टुकड़े करके सब सबके इसी प्रकार से टुकड़े कर लेंगे। देखिए मैंने सब भालोलों के टुकड़े कर लिए हैं इस प्रकार से। और मैं इसके अंदर एक आलू डालूंगी, इसको मैंने छील लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। इस प्रकार से कट कर लूँगी, इतने मोटे हिस्सों में करूँगी इसको कट, और इनको मिक्स कर लूँगी सबको। फिर इनको पानी के अंदर उबाल लूँगी। देखिए पानी मेरा उबाल पे आ गया है, मैं इसके अंदर आलू और भालोल दोनों डाल दूँगी और 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको उबालने के अंदर। जब तक मैं इनको ढक के रख देती हूँ, जब ये उबल जाएंगे, जब इसको इनका पानी निकाल के चलनी में से फिर इनके तड़का लगाएंगे। देखिए भालोल को मैंने उबाल लिया है और इसमें चलनी में से छान लिया है, उबल के तैयार हो गई है। और अब इसके तड़का लगाएंगे। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। 150 ग्राम भालोल है, एक आलू है, ये तो 2 से 3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। 1 स्पून जीरे की डाल लूँ मैं, छोटी स्पून है। फिर देखिए मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, सिल्वर टेबल की सवाई। लहसुन देखिए लहसुन ब्राउन कलर का हो गया है हमारा। गैस को मैं कम कर देती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। चौथाई स्पून डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, 1 स्पून में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। एक स्पून में मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। नमक में टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मिक्स कर दूँगी। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।